शीर्षक पर आज की पांच बड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़े पांच बड़े सवाल। कल यानी कि 25 अप्रैल को आसाराम पर जोधपुर कोर्ट का फैसला आने वाला है। राजस्थान समेत पांच राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि आशंका यह है कि तादाद में आसाराम के समर्थक जोधपुर में जमा होना शुरू हो गए। यौन उत्पीड़न की गंभीर धाराएं झेल रहे आसाराम के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण। कोर्ट से निराशा मिलती है या लड़की को इंसाफ, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। और देशित कहता है कि भगवान और भजन की आड़ में कोई भी गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। और इसलिए सवाल एकदम सीधा कि क्या ये मान लिया जाए कि धर्म की आड़ में पाप छिपाना मुश्किल है। कांग्रेस के कद्दावर नेता यूपीए में केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो कह दिया जिसे कांग्रेस न निगल पा रही है और न उगल पा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के दाग। मामले ने तूल पकड़ लिया, विवाद बढ़ गया, मीडिया ने सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम। तो सवाल ये है कि क्या दंगों के दाग के लिए देश से माफी मांगेगी कांग्रेस। 12 मई को कर्नाटक में मतदान होना है। तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस अपनी अपनी जीत के दावों पर ताल ठोक रही है लेकिन ओपिनियन पोल कहते हैं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस जो विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल के दम पर दोबारा सत्ता आने का सपना देख रही है वो भी ओपिनियन पोल्स में बहुमत से दूर दिख रही है। बहुत दूर दिख रही है। तो क्या हिंदुत्व पर डबल रोल के चलते कांग्रेस कर्नाटक हार रही है। पिछले कुछ वक्त से आप टीवी पर, अखबारों में हर रोज देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हम भी देशित में कमोबेश हर रोज यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में कड़े कानून से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीएम ने भी अपील की है कि हमें बेटों को सिखाना होगा बेटियों की इज्जत करना। और क्या इसीलिए बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून ही नहीं, नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। देशित में आपको पॉजिटिव खबरों से रूबरू करवाना भी हमारी जिम्मेदारी। और आज खबर कानपुर से, कानपुर रेलवे स्टेशन पर सिपाही की ईमानदारी से जुड़ी है। ईमानदारी की उसने ऐसी मिसाल पेश की है और सवाल हम सबके लिए छोड़े गए हैं। सवाल ये कि निराश होने की जगह हम पॉजिटिव सोच को कामयाबी का मंत्र क्यों नहीं बनाते।